स्वच्छ भारत मिशन के दावों की पोल खोलने के बाद आखिरकार नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारी और पदाधिकारी हरकत में आ गए हैं। हमीरपुर बाजार में तहसील कार्यालय के सामने कूड़ादान के समीप बिखरी गंदगी को हटा दिया गया है। कूड़ादान हटाने के साथ ही नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारियों की तरफ से अब चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि यदि इस स्थान पर कोई कूड़ा फेंकता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दरअसल ये कूड़ादान आने जाने वाले राहगीरों के लिए कूड़ा फेंकने के लिए लगाया गया था और घरों से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना के तहत हर दिन शहर में कूड़ा उठाया जाता है। विपरीत इसके यहाँ पर स्थानीय लोग ही कूड़ा फेंक रहे थे और कूड़ेदान के इर्द गिर्द कचरे का काफी ढेर लग गया था। मीडिया ने इस मुद्दे को सोमवार को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद नगर परिषद हमीरपुर की तरफ से मंगलवार को एक्शन लेते हुए कूड़ेदान को हटा दिया गया है। रेहड़ी फड़ी यूनियन के प्रधान ब्रह्मदास ने कहा कि समस्या का समाधान हो गया है, इसके लिए वह मीडिया तथा नगर परिषद का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि यहाँ पर कचरा ना फेंके। दुकानदारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई यहाँ पर कूड़ा ना फेंके और अगर कोई फेंकता है तो उसे जरूर टोकें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और नगर परिषद का भी हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारी इस समस्या का निजात किया। और अब ये हमारा भी फर्ज बनता है कि यदि कोई यहाँ पर कूड़ा रखेगा तो उसको हम जो है वो टोकेंगे या उसको हम कहेंगे कि इसको उठा करके आप घर ले जाओ, क्योंकि यहाँ कूड़ा रखने का तो मतलब भी नहीं बनता है जब घर घर से जो है वो वर्कर कूड़ा लेकर के खुद आते हैं। धन्यवाद। नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार मन्हास ने कहा कि जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कूड़ेदान में स्थानीय लोगों द्वारा ही कचरा डाला जा रहा है। मामला ध्यान में आने के बाद इस कूड़ेदान को ही यहाँ से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर है और घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कभी कभार समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन नगर परिषद की तरफ से बेहतर सेवाओं का प्रयास हमेशा से ही रहा है। जानकारी मिली यहाँ पे जो है वार्ड नंबर 4 वाले जो है वो भी कूड़ा डाल रहे हैं, वार्ड नंबर 6 वाले भी कूड़ा या इसमें डालते हैं। जिस पर्पज़ के लिए ये रखा गया था उस पर्पज़ के लिए ये यूज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे को जानकारी मिली और उसमें मेरे को लगा कि ये गलत है। इसका मैं आज सुबह अपना वो कराया और वार्ड नंबर 6 के जो पार्षद है उनको मैंने रूबरू कराया कि आप भी आओ और हम इसको उठा कर अलग से कर देंगे। नगर परिषद ने रखवा दिया वो हमने उठा के, और जिससे हमारा शहर साफ सुथरा बने हम ये चाहते हैं। तो लोग कर रहे हैं ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। हमने हर वार्ड में गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, लोगों को चाहिए कि मेरी उनसे अपील भी है कि वो गाड़ी में कूड़ा दें। जब गाड़ी आती है गाड़ी समय पर आएगी और गाड़ी पे कूड़ा दें, लेकिन अगर लोग ऐसे ही गंद डालेंगे और ऐसे ही गंदगी फैलाएंगे तो जैसे ही हमें पता लगेगा उसके हम चलान या कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, उसके प्रति हम कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे। तो ये तो समस्या है ही है, 4 वाले 6 का नहीं उठाएंगे, 6 वाले 5 का नहीं उठाएंगे, 5 वाले 7 का नहीं उठाएंगे, वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। लेकिन मेरे जो आगे मैंने जो पस्ता मतलब अपना जो विचार रखा है, मैं आगे जो भी विचार रखूँगा तो मैं उसका मतलब एक सिस्टम बनाऊँगा जिसमें हम जो नए आगे वाले जो टेंडर करेंगे वो ऑफलाइन करेंगे। उसमें हम लगते बार जो 2 टेंडर देने का हमने रखा हुआ है कि हम एक ठेकेदार को 2 टेंडर देंगे, जिसमें हम लगते वार्ड को 7 एक ही बंदे को टेंडर अवार्ड करेंगे। जैसे 4 सामने जो जैसे ये 4 नंबर वार्ड है, बार सामने 6 नंबर वार्ड है, तो हम उसी ठेकेदार को टेंडर देने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ताकि वो इकट्ठा कूड़ा उठा के वहाँ से ले जाए। 11 वार्डों की अगर आप सफाई व्यवस्था देखेंगे तो हमारी सफाई व्यवस्था ठीक रूप से चली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई कई जगह हमारी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं या कोई वर्कर या ड्राइवर बीमार हो जाता है तभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिस कारण हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वैसे हमारी सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी चली हुई है।